मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे कि मकर राशि के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि फल 2021 के अनुसार ये जो वर्ष है आपके लिए अच्छा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि स्वामी जो है आपकी राशि के शनिदेव पूरे वर्ष आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। इसे मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत को रफ्तार देनी होगी। कार्य क्षेत्र पर किसी भी नए काम को हाथों में लेने से पहले अपने पुराने काम को जरूर खत्म कर लें। साथ ही गुरु बृहस्पति भी शनिदेव के साथ आपकी ही राशि में विराजमान है, तो आपको दोनों जो ये ग्रह हैं युति बनाने वाले हैं, जिससे मेहनत का परिणाम जो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। शनि और गुरु बृहस्पति की ये युति करियर में आपको उन्नति जरूर दिलाएगी, और भाग्य का साथ मिलने से आपको कार्य क्षेत्र में हर ऊंचाई हासिल करने में आप सफल जरूर होंगे। हालांकि ये तो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अप्रैल से सितंबर का जो समय है पिछले वर्ष के अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा परेशानी में आ सकते हैं। आपको इस समय केवल और केवल अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको जो आप पीछे रह सकते हैं। आपसे जो भी आपको मेहनत का फल मिलने वाला है वो जो फल है आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको इतनी ही मेहनत करनी है, एक लिमिटेड काम करेंगे, इस समय मेहनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर में करिए। चाहे वो नौकरी है, चाहे वो व्यापार है, आपको ज़रूर ही सफलता मिलने वाली है। मकर राशि वालों को इस साल आर्थिक जीवन में अनुकूल परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है और इस दौरान खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। ऐसे में अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाई तो नुकसान हो सकता है, आर्थिक तंगी हो ऐसा भी संभव है। और जितना संभव हो सही रणनीति योजना के अनुसार अपने धन को खर्च करें, अन्यथा हमेशा ही ये प्रॉब्लम आपके लिए बनी रहेगी। ग्रहों की स्थिति इस वर्ष सबसे ज्यादा आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाली है, जिसके चलते जनवरी अगस्त का महीना सबसे ज्यादा कष्टदायक आपके लिए रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति कमजोर होने से निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, और उधारी का पैसा इस साल ना ही दे तो ही अच्छा है। अगर आपने दिया तो आपका पैसा जरूर फंसेगा, तो इस समय इस चीज का ध्यान जरूर रखें। हालांकि अगस्त के बाद जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु की उपस्थिति बुद्धि को प्रभावित करेगी, जिससे धन कमाने के नए नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। ऐसे अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। 6 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य का समय और फिर 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक का समय जो है अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि अनेक स्रोतों से आप जो धन है वो कमा पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मकर राशि वाले छात्रों को साल 2021 में अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव में उपस्थित छाया ग्रह राहु इस वर्ष आपको अच्छे फल देने वाला है। आपको अपनी मेहनत के अनुसार अधिक फल मिलेगा। राहु की शुभ स्थिति विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में तेज प्रवृत्ति वाला बनाने वाली है, जिसके चलते इस वर्ष हर चुनौती का सामना जो है वो आप हंस खेल कर लेंगे और आपको उसमें सफल भी होने वाले हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसे विषय को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा कोशिश कर लीजिए, जरूर सफल होंगे। लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच मंगल का पंचम भाव में जो गोचर है वो उपस्थित राहु के साथ युति होगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियां आपके लिए खड़ी कर सकती है। तो ऐसे में ग्रहों की जो ग्रह हैं वो इस परीक्षा को पार करते हुए अपने मन को केंद्रित रखिए, यही मैं आपको सलाह दूंगी। क्योंकि अगर मन केंद्रित होगा तो आपका जो ध्यान है पढ़ाई में लगने वाला है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो ग्रह जो है वो अपने आप ही आपके बदल सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जनवरी और मई का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसे में अपने मन को एकाग्रचित रखना होगा। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष
पारिवारिक जीवन में कई परिवर्तनों से दो चार होना पड़ेगा। साल की शुरुआत में मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन जो है वो खर्च हो सकता है, घर के सदस्यों पर खर्च होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में किसी कारणवश कई सारी मुश्किलें साल भर ही बनी रहेंगी। हालांकि शनि से के आपकी राशि में प्रथम भाव में होने से प्रॉपर्टी या फिर जमीन में आपको लाभ हो सकता है, या फिर कुछ नया भी आप खरीद सकते हैं, ऐसे भी योग बन रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सलाह जरूर ले लें। इस वर्ष शनिदेव संपत्ति तो दिलाएंगे ही, ऐसी जो योग है वो नजर आ रही हैं, और ग्रहों की चाल अनुकूल होने के कारण आपको उसमें बड़ा फायदा हो सकता है, और आप घर में कोई बड़ा मांगलिक कार्यक्रम भी आयोजन करवा सकते हैं। यदि घर में कोई विवाह योग्य है तो साल के अंत में उनका विवाह संभव है, जिससे घर में खुशहाली का माहौल लौटेगा और इस परिवार में भी आपको किसी का भी आगमन हो सकता है, चाहे वो विवाह के तौर पे हो या फिर बच्चे के तौर पर। खुशियां मनाए जाने के शुभ संयोग बनने वाले हैं साल के अंत में। वैवाहिक जीवन जो है वो अनुकूल फल देगा। पूरे ही वर्ष आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि आपकी राशि के प्रथम भाव में लग्न भाव में रहने वाले हैं, तो लेकिन जो दृष्टि है वो सप्तम भाव में डालेंगे। दाम्पत्य जीवन में उससे तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संभल कर रहें। थोड़ा अपनी जो सोचने की शक्ति है उसे थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा चीजों को अपने हिसाब से नहीं दूसरे के हिसाब से भी सोचकर आपको देखना होगा। इस दौरान शुरुआत से ही अप्रैल तक गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे जीवन साथी के साथ विवाद तो होगा, लेकिन हर विवाद को सुलझाने में खुद को सक्षम रख ले और खुद को सक्षम बनाइए तो ही आपके लिए अच्छा होगा। सितारों की जो चाल है वो अप्रैल के बाद स्थितियां जो है बेहतर होंगी, बदलेंगी अप्रैल के बाद, तो फिर अपने आप ही जो संबंध है वो और अच्छे हो जाएंगे। इस बीच आपको प्रेम जो है वो अपना बरकरार रखना है, चाहे छोटी मोटी बात हो बड़ी बात हो, लेकिन अपने प्रेम को और ज्यादा मजबूत करने के बारे में इस समय आपको सोचना होगा। अब मैं बात करूं प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन के लिहाज से ये जो समय है आप अपने प्रेमी के साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, एक अच्छा समय आप बिताने वाले हैं, प्रियतम को मनाने का, दिल जीतने का, विवाह के लिए मनाने का आप भरपूर प्रयास करने वाले हैं, जिसका अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। यही वो वर्ष होगा जब आप प्रेमी को सबसे ज्यादा खुश रख पाएंगे और सुंदर रिश्ते के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत जो है वो आपके अंदर दिखाई देने वाली है। प्रेम विवाह में बंधने का भी फैसला ले सकते हैं, खुद के एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आप आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मकर राशि का स्वास्थ्य है वो अनुकूल रहेगा। आपकी राशि में शनिदेव के होने के कारण वो आपको सबसे ज्यादा सेहतमंद रखने वाले हैं। साथ ही शनि के प्रथम भाव में विराजमान होने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, और आप अपना इस वर्ष एक अच्छा जीवन अपना अच्छा स्वास्थ्य के साथ बिताते हुए नजर आएंगे। यह संकेत है कि शनि देव का शुभ प्रभाव सबसे ज्यादा इस वर्ष आपके सेहत पर ही रहने वाला है, इसलिए अपने पुराने रोग से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। हालांकि वर्ष की जो शुरुआत है छोटी मोटी परेशानी आपको हो सकती है, वो समय रहते आपको उससे निजात मिल जाएगी, लेकिन रोज योग करें, व्यायाम करें, स्वास्थ्य और अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करने हैं। आपको प्रत्येक शुक्रवार 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलानी है, चाहे खीर बनाकर खिलाएं या मिठाई खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल ग्रह की शांति के लिए भी आपको शनिवार के दिन जरूरतमंद को रक्त दान करना है। अनार के पेड़ लगाना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, तो अनार का पेड़ इस अवधि में आपको जरूर लगाना है। इस साल में आप जितना चाहे अनार के पेड़ लगाएं, आपको उतना लाभ होगा। हर बुधवार के दिन साबुत मूंग की दाल अपने हाथों से गाय को खिलानी है, बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये था साल 2021 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो।
बहुत बहुत धन्यवाद।